हेलो फ्रेंड, हमारे स्पेशल सेशन HCS मेंस में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में। हम आपको बता दें, जो नए स्टूडेंट हैं, HCS मेंस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ऑप्शनल, अब बचता है GS पेपर। GS पेपर में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और उसके बाद एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। उसी के तहत आज हम करा रहे हैं आपको भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति। हम आपको बताएंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे सेशन के अगर आपको PDF चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज हरियाणा एग्जाम A to Z पर जाकर आप PDF ले सकते हो। चलो बात करते हैं वर्तमान भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति पर। हम आपको बता दें, भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए हैं। हाँ, किए हैं इन्होंने रक्षा समझौते। 2+2 वार्ता भी, वो भी एक रक्षा समझौते के तहत ही है। और क्वाड के 4 देशों के गठबंधन को भी औपचारिक रूप दिया। क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान। और क्या है क्वाड, हमने आपको विस्तार से बता रखा है हमारे स्पेशल सेशन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इस गठबंधन को हिंद प्रशांत में चीन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। यानी चीन जिस तरह अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसी को अपोज करने के लिए ये 4 देश एक साथ आए हैं। इसलिए बता रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिए महत्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है क्वाड। वहीं नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत अमेरिका रणनीति संबंधों में एक उच्च बिंदु को प्रदर्शित किया। मालाबार एक युद्ध अभ्यास होता है, जिसमें जापान पार्टिसिपेट करता है, इंडिया पार्टिसिपेट करता है, और अमेरिका, और अब की बार शायद ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। ये 13 वर्षों में पहली बार था कि क्वाड के सभी 4 देश एक साथ चीन को प्राथमिकता का संदेश भेज रहे थे। 2020 में 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया। पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं करता था, अब की बार ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, और जापान ने भी किया, और इंडिया ने और अमेरिका ने किया। भारत के पास अब अफ्रीका में जिबूती से लेकर प्रशांत महासागर में गुआम तक अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच है। यहाँ अमेरिकी रक्षा उपकरणों में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार तकनीक तक भी पहुंच सकते हैं। ये बता रहा है कि अब भारत के इन ठिकानों तक पहुंच है, जिबूती साउथ अफ्रीका से, और गुआम। अभी हमने हमारे जस्ट इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया था गुआम आइलैंड के बारे में, कि गुआम आइलैंड अमेरिका का एक आइलैंड है, वहाँ तक भारत की पहुँच है। अब बात करते हैं कुछ व्यापार की। व्यापार में भारत अमेरिका क्या संबंध है, क्योंकि जब भी आप मेंस के लिखोगे प्री पास होने के बाद HCS का, तो आपको वहाँ टॉपिक वाइज लिखना ही पड़ेगा। पहले वैसे रिलेशनशिप बताए, डिफेंस के बताए, फिर व्यापार के बताए। इस तरह से एक तो एग्जामिनर का फोकस आता है, और लिखने में भी आसानी होती है, और आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हैं। तो हमने इस तरह से हमारे डिवाइड कर रखा है। पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत के विशेष व्यापार का दर्जा समाप्त कर दिया था। जो पिछले जो ट्रंप भाई साहब वाली सरकार थी ना, उसने अमेरिका सरकार ने भारत के विशेष व्यापार का दर्जा समाप्त कर दिया था, और कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों का प्रतिबंध लगाया। लेकिन वर्तमान अमेरिकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने की अनुमति दी है। अब बात करते हैं, हमने बात की व्यापार की, अब हम बात करते हैं डायस्पोरा, यानी वहाँ भारत के लोग कितने रहते हैं, भारतीय प्रवासी। अमेरिका के सभी क्षेत्रों में भारतीय डायस्पोरा की संख्या या उपस्थिति में वृद्धि हो रही है। उदाहरण स्वरूप, अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी भारत से गहरा संबंध है। वर्तमान अमेरिकी प्रशासन में भारतीय मूल के अनेक लोग मजबूत नेतृत्व पद पर नियुक्त हैं। अब बात करते हैं हम कोविड सहयोग की।
जब पिछले वर्ष अमेरिका कोविड जैसी घातक महामारी का सामना कर रहा था, तो भारत ने महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और देश की मदद के लिए निर्यात प्रतिबंधों में ढिलाई दी। शुरुआती समय में अमेरिका ने भारत को आवश्यकता पड़ने पर मदद करने में झिझक दिखाई, लेकिन अमेरिका ने जल्दी ही अपने रुख बदलकर भारत को राहत आपूर्ति पहुँचा दी। ये कोविड सहयोग जो वर्तमान में अगर हाल ही में अगर एग्जाम होगा इस साल तो आप लिख सकते हो, भारतीय प्रवासी में उदाहरण दे सकते हो, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वहाँ उपराष्ट्रपति है। इसके अलावा भी भारतीय मूल के अनेक लोग वहाँ मजबूत नेतृत्व पदों पर हैं। इसके अलावा व्यापार का कह सकते हो कि व्यापार को जब अमेरिका ने 28 अमेरिकों पर उत्पादों में प्रतिबंध लगाया तो भारत ने भी लगाया, और अभी वर्तमान सरकार ने वो प्रतिबंध हटा दिए तो भारत ने हटा दिए। उसके बाद डिफेंस में कह सकते हो कि मालाबार युद्ध अभ्यास साथ करते हैं, क्वाड बनाया, और इस तरह से हम एक अच्छा क्वेश्चन एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। हमने बताया आपको भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।